तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण हैं और दुनिया में हर जगह पर व्याप्त है। हर चीज जो है तीन गुणों से प्रभावित है ही है, सब कुछ, एवरीथिंग। तो सतोगुण जो होता है उसकी क्वालिटी क्या है? द स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। जैसे कुछ लोग देखा बड़े संतुष्ट होते हैं, कहते और चोपड़ा साहब कहीं मंदिर आया, कहीं कहता नहीं हमें जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। हमारा एक बेटा है न्यूजीलैंड में, उसकी नौकरी लगी हुई है, और हमारा दूसरा बेटा है वो इंग्लैंड में सेटल है, और मैं भी रिटायर्ड हूँ, मुझे 1,00,000 रुपये पेंशन मिल जाती है, और हमारे यहाँ पर रेंट का भी पैसा आ जाता है। सुबह सुबह मैं और मेरी वाइफ हम लोग मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, हम लोग स्प्राउट्स खाते हैं, देसी गाय का दूध पीते हैं और प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं। थैंक यू। सात्विक लोग, सैटिस्फाइड, ये सतोगुणी लोग हैं। रजोगुण की क्या क्वालिटीज हैं? रजोगुणी क्वालिटीज हैं इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, बहुत इच्छाएं होती है इन लोगों की, कहते हैं यार कब कैसे पैसा मल्टीप्लाई करना है, कैसे इसको धोखा देकर के ऊपर पहुंचना है, इच्छाएं, कितने साल में पैसा मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है, क्या इच्छाएं। फ्रूटी मेंटालिटी, यानी जो करेंगे उसके इससे मतलब देखेंगे, कहते हैं अच्छा ये तो बता, ये इस्कॉन यूथ फोरम जाऊंगा तो फायदा क्या होगा? तो ये लोग जो गीता सर्टिफिकेट है नौकरी में काम आता है, नहीं आता वो नहीं आता, फिर क्या करना यार, हर चीज में फायदा 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 फायदा, ये देखा फायदा। अरे देखिए आपके मंदिर में पंखे तो लगवा देंगे, लेकिन उसमें लिखवा दीजिएगा कि निर्मला देवी जी की स्मृति में उनके बेटे राणा प्रताप सिंह ने पंखे यहां लगवाए थे। जी हम आपके मंदिर के लिए डोनेशन तो दे देंगे, पर इसमें 80G बेनिफिट्स हैं कि नहीं है इसके अंदर? इनकम टैक्स बेनिफिट मिलते हैं इसके अंदर? नहीं मिलते हैं? यानी वो तो नहीं, अच्छा नहीं है फिर ट्रेन में, फिर दान नहीं, फिर नहीं, फिर हम दान नहीं कर रहे आपको, फिर नहीं, नहीं। हर चीज में मतलब, क्या पुत्र ऐस सोनी कुड़ी है लेकिन गरीब कुड़ी है, या बसूरत कुड़ी है बड़ी अमीर कुड़ी है, किसे भी आना है बेटा? हो सुंदर है लेकिन गरीब है, ये बसूरत है लेकिन अमीर है, पापा ये ना जो बसूरत है इसी शादी करा दो मेरी, कुछ समय बाद इसका खून कर दिए, इसका पैसा हड़प लूंगा, फिर सुंदर से शादी कर लूंगा, घर ले आऊंगा। मतलब रजोगुण, ठीक है नी? एक और क्वालिटी होती है रजोगुण की, अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमन, लड़के और लड़कियों में जो आकर्षण होता है, इसमें कोई रोमांस वगैरह कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ रजोगुण है, दैट्स इट, रजोगुण। हम मिले, तुम मिले, नैन मिले, प्यार हुआ, इश्क हुआ, ये सब रजोगुण होता है असल में। इसलिए हर साल वैलेंटाइन डे के बाद वैलेंटाइन डे वाले जो है ना अपनी वैलेंटाइन बदल भी जाती है मेरी, इतना पक लिए उसकी शक्ल देख देख के यार, इतने जूते चप्पल ला के दिए, मैकडॉनल्ड्स में इतने मैकालू टिक्की खिलाए इसको, भाई खचर 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 खचर, तो कभी रीटा तो कभी सेन्योरीटा। रजोगुण, रोजेज आर रेड, द स्काई इज ब्लू, ओ माई डार्लिंग आई लव यू, लेकिन जब पक लिया उसकी शक्ल देख देख कर मैं, भाई रोजेज आर डेड, आई हैव फ्लू, डोंट कम नियर मी, परे हट तू, प्यार खत्म। जितनी शेरो शायरियां ये वो, शेरो शायरी का अल्टीमेटली गोल पता है क्या है? सेक्स लाइफ, बस। आफ्टर फिजिकल इंटीमेसी जितनी शिद्दत होती है ना प्यार के अंदर, उतनी तेजी से शिद्दत नीचे भी जाती है। क्या चल चाट लिया उसी चमड़े को तूने? हाँ चाट ले चमड़े को, चाट लिया मैंने भी, मिल गया तेरे को सुख, मिल गया, कहते हैं हाँ बोध हो गया, बस हो गया खत्म, रजोगुण होता है। इसलिए अगर हनीमून भी होता है ना लोगों का, हनीमून भी 1 महीने के बाद पक लेते हैं लोग, चलो जी हनीमून हो गया हो गया, मेरे चमड़े में तूने देख लिया कुछ नहीं मिला तेरे को भी, मैं तेरे चमड़े में देख लिया कुछ नहीं मिला मेरे को, तो चमड़ा चाट लेते हैं, थोड़ा निचोड़ लेते हैं चमड़े को, कहते हैं चलो जी हो गया, चमड़े को चाटना चूटना हो गया, निचोड़ना हो गया, चलो अब चलते हैं, प्यार खत्म। तो प्यार की उम्र कितनी है सनम? प्यार की इतनी उम्र है बस, तेरे चमड़े से शुरू, तेरे चमड़े पे खत्म, दैट्स इट, सारा खेल चमड़े का है, किसका चमड़ा निचोड़ लें, खरोच लें, चाट लें, बस यही है प्यार मोहब्बत है क्या? चमड़ा, बस। इसलिए
हालांकि प्यार बनाते थे उसमें ऐसे बनाते हैं, ऐसे हार्ट बनाते हैं, ऐसे हार्ट बनाते हैं, उसमें से फिर तीर एक दिखाते हैं, तीर उसमें दो चार खून की बूंदे भी होती हैं, आई लव यू इलू इलू हाँ। लेकिन असल में हार्ट का इसमें कोई रोल नहीं होता, सारा खेल चमड़े का है। जैसे यहाँ कैटरीना कैफ ले आऊँ या जैकुलिन फर्नांडिस, उसे हमने यहाँ खड़ा कर दिया, कहते क्या क्यों जी कुड़िया जी, वाह मक्खन दा पेड़ा कुड़िया जी, वेरी गुड प्रभु जी, एक पीलर लेके आओ जरा, पीलर। पीलर से मैंने क्या किया, उसकी चमड़ी ली और एक मिलीमीटर पील कर दिया, जैसे खीरा छीलते हैं ना वैसे। अब ये खड़ी हो गई यहाँ पर, तो गई देखिए जैकुलिन फर्नांडिस को, कहता है प्रभु जी ये तो मीट शॉप में जैसे मीट टंगा होता है वैसी दिख रही है तो बिल्कुल, कोई करेगा उसे कुछ ना, हो गया सेट हो गया। सो दैट मीन्स प्यार की गहराई कितनी, 1 मिलीमीटर। प्यार की गहराई कितनी है, 1 मिलीमीटर बस। ऊपर की पैकेजिंग हटी नहीं, प्यार खत्म। जैसे मान लो कभी ऐसा हो जाए कि किसी लड़की की फ्रेंच बियर्ड निकला है ऐसे, देखिए कहते हैं वो डार्लिंग कल क्या वो मैंने गोली खाई थी ना एक होम्योपैथी की, तो पेट तो ठीक हो गया लेकिन ना ये मूछें निकला है मेरी, प्यार तो करते हो ना मेरे से, कहते प्यार, कहते हाँ देखो 2 जिलेट प्रेस्ट हुए हैं शादी के बाद, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए, प्यार करेगी वो, प्यार करेगा वो अब, क्योंकि सारा खेल किसका, इसका सारी प्यार मोहब्बत यही है, चमड़ा ही है बस, दैट्स इट। तो ये रजोगुण की निशानी है, दिस अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन इज रजोगुण। इसे इंडियंस है ना, इंडियंस दे ल्योर फॉर अमेरिकन्स, कहते हैं वो सफेद चमड़ी में ना बड़ा सुख होगा, इसलिए इंडियंस जब किसी गंदी वेबसाइट पे जाते हैं तो वेस्टर्न वेबसाइट पे जाते हैं, कहते हैं इंडियन तो बेकार है, वेस्टर्न माल बहुत अच्छा होता जी। अच्छा वेस्ट के लोग किसको देखते हैं, वो एशियंस को देखते हैं, वेस्ट में जितनी पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स देखी जाती हैं वो देखते हैं एशियंस को, एशियंस अमेरिकन को, उनको लग रहा है कि यहाँ सुख है, इनको लग रहा है यहाँ सुख है, पर ना यहाँ सुख है ना वहाँ सुख है, दोनों सुखे हुए हैं। कहते हैं ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीनर, कहते हैं उस तरह की घास हरी है, हमारे यहाँ तो सूखी है जी, पर ना वहां की घास हरी ना यहाँ की घास हरी, सिर्फ भगवान हरी जिनकी घास हरी, ये बात नहीं समझ पाते। पर तो रजोगुण में जो व्यक्ति होता है, अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमन, लड़का लड़की का आकर्षण, ये रजोगुण है, ठीक है जी। तमोगुण, तमोगुण में क्वालिटी क्या होती है, तमोगुण की क्वालिटी होती है स्लीप, नींद आना, बहुत ज्यादा स्लीप, 8-9 घंटे सोना, बहुत नींद आती है ऐसे लोगों को, और संडे को तो अलार्म बंद कर दो ये सब, सुबह आराम से उठेंगे 9 बजे 10 बजे, ऐसा गहरा सोते हैं, ओह आलस, बहुत आलसी, कुछ तो बहुत आलसी होते हैं, मैं देखा लोगों चलते हुए ऐसे चलते हैं मानो अभी कब्र से निकल के आ रहे हैं लोग आलस, क्या कर लो अभी कर लो, कल करते हैं कल करते हैं इसको, कल जरूर करेंगे इसको, कल जरूर करेंगे जी, आलस, नींद, गुस्सा, क्रोध, एंगर इज ऑल्सो क्वालिटी ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण की क्वालिटी है। सनकी बना, आपने देखा कुछ लोग सनकी होते हैं, सनकी बना किसकी, तमोगुण की क्वालिटी है। ऐसे आजकल बड़ा कॉमन हो गया सनकी बना ना, मानो पति ने पूछ लिया, सुनो जी खाना ठीक बना है, ये थाली लेके उसके मुंह पे मारी, चुड़ैल क्या चाहती है, तारीफ करो तेरी, मैं पति ने क्या पूछा, ये तो पूछा ना खाना ठीक बना नहीं बना भाई, चिल्ला दिया उस पर, बैंड बजा दी उसकी, सनकी, सनकी बना, गुस्सा, आलस, नींद। जैसे कई लड़के हैं वो ना कॉल सेंटर में जॉब करते हैं ये सोच करके कि ना रात को नौकरी करेंगे दिन में मस्ती करेंगे, पर ये लोग जब जाते हैं कॉल सेंटर में तो गाड़ी में क्या होता है, इनका उठ जा ऑफिस आ गया, आ गया ऑफिस, आ गए थी ऑफिस, जाएंगे काम करेंगे, फिर जहां झपकियां तो फिर कॉफी पीते रहते हैं और काम करते रहते हैं, उसके बाद जब वापस जा रहे थे गाड़ी में फिर क्या करेंगे, तो तेरा घर आ गया, घर आ गया मेरा, उठ जा, ठीक है उतरे घर चले, अच्छा आप घर जाके क्या करता होगा, कभी सो जाता है, घर पे भी सोता है, गाड़ी में जाते हुए सोता है, गाड़ी से आते हुए सोता है, काम करते करते भी सोता है, कॉल सेंटर, ये असल में कॉल सेंटर है, ये कॉल में फेंकने का सेंटर है असल में, कॉल सेंटर,
तामसिक जीवन, तामसिक जीवन है। तो जितना पैसा कॉल सेंटर में ये जितने लड़के इकट्ठा करते हैं उससे जो हेल्थ खराब होती है उस हेल्थ की रिकवरी में लगाते हैं उस पैसे को बेसिकली। वाह, बैक टू स्क्वायर वन, क्या अकलमंदी है। तो ये इस प्रकार से प्रकृति के तीन गुण हैं जो काम करते हैं।